नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट न्यूज और मैं हूँ आपके साथ विद्या राय। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। सपहा गांव में अनुसूचित जाति के राम राजपुत्र हरिवा के दबंगों द्वारा पीट पीट कर निर्मम हत्या का मामला राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। सोमवार को पीड़ित परिवार से मिलने के लिए बहुजन समाज पार्टी के मुख्य सेक्टर प्रभारी बुंदेलखंड पूर्व मंत्री गया शरण दिनकर लाला राम अहिरवार व मुख्य सेक्टर प्रभारी चित्रकूट धाम मंडल बलदेव वर्मा, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत बांदा सत्येंद्र कुमार वर्मा, बसपा जिला अध्यक्ष शिव बाबू वर्मा ने बसपा नेता पुष्पेंद्र सिंह सपहा गाँव पहुँचे। यहाँ सपहा नेताओं ने कहा कि जिला पंचायत सदस्य संगीता देवी के चचेरे ससुर राजा राम की दबंगों ने बेरहमी से हत्या की है। इसकी सूचना संगीता देवी के पति प्रमोद को इलाकाई पुलिस को दी थी। इसके बावजूद पुलिस समय पर नहीं पहुंची, इसके चलते है इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि सूचना मिलने के बावजूद मौके पर न पहुंचने के मामले में संबंधित उप निरीक्षक को निलंबित करने का आदेश पुलिस अधीक्षक को देना चाहिए, साथ ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। इसके अलावा प्रकरण में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ राशुका की कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में एक सफेद पोश भी पीड़ित परिवार पर सुलह का दबाव बना रहे, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। रिपोर्ट अहमद अली, चित्रकूट, इंडिया पोस्ट न्यूज। जब इस तरह का होगा तब बताएंगे। उन्होंने कहा कि जब आपके ट्रैक्टर में हम आग लगा देंगे तब तो लगाएगा। तो इसके बाद उन्होंने कह दिया कि आग कैसे लगा दूं। उन्होंने गाली दे दिया, ठेकेदार तेरी तो मैयत चोट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बता रहे बस इतनी बात हुई। इसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। इसके बाद रात में जो है उन्होंने अटैक कर दिया। कितने लोग थे टोटल? वो लोग पांच लोग थे, तीन गांव के थे, दो बाहर। कथन है पीड़ित परिवार का कि पुलिस को भी सूचना दी गई और पुलिस जो है मतलब पहुंची नहीं, तो इससे जो है मतलब क्या मतलब समाज में मैसेज जाएगा, क्या किसी आदमी सुरक्षित रहेगा? एक जो है मतलब जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा बर्ताव जब हो रहा है तो एक आम जनता के साथ बताइए कैसा बर्ताव होगा। ये तो बहुत ही मतलब दुखद घटना है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। भाजपा का जो दावा है कि सबका साथ सबका विकास, अब यही देखिए सबका साथ सबका विकास किस तरह हो रहा है कि आप उसकी कोई जो है किसी भी प्रकार की उसकी दुश्मनी नहीं है। वो दलित परिवार से है, वो खा कमा रहे बेचारे, ये देखा नहीं जा रहा है। जो लोग अभी तक सत्ता में रहे हैं उनसे देखा नहीं जा रहा है कि दलित जो भी जो बढ़ रहा है, इसलिए उसे कुचलने का काम किया जा रहा है। और ये हम बहुजन समाज पार्टी ये मांग करती है कि दलित परिवार के साथ जितना भी लोग थे उनको जो है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और उनके भी घरों बुलडोजर चलना चाहिए। देखते हैं मोदी योगी जी जो है किस प्रकार बुलडोजर चलवाते हैं। इससे बड़ी दुर्दांत घटना और कुछ नहीं हो सकती। जनपद चित्रकूट में डाटा तैयार किया जाता है जो थानों में FIR दर्ज होती, 10% FIR दर्ज होती, मारपीट, बदतमीजी, लूटपाट, चोरी, इस तरह की घटनाएं GD में चढ़ाई नहीं जाती हैं। जो हीनियस क्राइम है, जो FIR दर्ज होती है, मैं दर्ज FIR के आधार पर कहता हूं कि 300 गुना अपराधों में वृद्धि हुई है। ये NCRB की रिपोर्ट बताती है। NCRB की रिपोर्ट ना आपने तैयार की ना मैंने तैयार किया है। NCRB की जो रिपोर्ट है वो भारत सरकार तैयार करती है। NCRB रिपोर्ट कहती है कि जो महिलाएं और अबोध बालिकाओं के साथ जो रेप, गैंग रेप, रेप के बाद हत्या जैसी जो घटनाएं हुई हैं, 300 गुना की UP में वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में अपराध के मामलों पर बेतहाशा वृद्धि हुई है। सरकार अपना खुद का आंकड़ा कोई पेश कर रही है तो वो पेश करे ना, NCRB की रिपोर्ट को पेश करे, पेश करके बताए कि अपराधों में गिरावट आई है कि बेतहाशा वृद्धि हुई। उनके जानमाल का नुकसान पहुंचाने के साथ उनकी बहु बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए तो ये सरकार का दायित्व नहीं। सरकार जो चुन करके जाती है वो किसी पार्टी की नहीं होती है। सरकार बनने के बाद जैसे इस प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है तो देश का चीफ मिनिस्टर एक बिरादरी के लिए नहीं है, प्रदेश का चीफ मिनिस्टर एक पार्टी के लिए नहीं है, बल्कि वो आम जनता के हितों की रक्षा के लिए और संविधान की रोशनी में काम करने के लिए उसे पाबंद किया गया है। और उस प्रतिबद्धता के विरुद्ध और संविधान में दी गई व्यवस्था के विरुद्ध यदि कोई काम करता है तो वह मुख्यमंत्री नहीं
वो भी एक अराजक तत्व है जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, मोदी। दिनांक 1 जनवरी 2022 कोतवाली करवी अंतर्गत ग्राम सपहा में दो पक्षों में झगड़ा हुआ। झगड़े के फलस्वरूप रामराज वर्मा उम्र 35 वर्ष घायल हुए, जिन्हें इलाज हेतु जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना से संबंधित सभी 6 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और जो भी अपेक्षित विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है।